बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, शो में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। अर्शी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, क्या कहना चाहोगे उसको लेकर? अर्शी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है और उसकी विश है कि ये लड़की यानी उसकी लाइफ से निकल जाएगी, तो उसके लिए मैं अर्शी की मदर सृष्टि को प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा ही होगा। तो अभी हमारी स्टोरी नेक्स्ट फेज में जाएगी, जिसके अंदर ये होगा कि हम जो झनक है उसको, उसकी शादी को रिवर्स करेंगे, सो दैट द मैरिज बिकम्स वॉइड। सो उसकी तैयारी है। लेकिन शादी जिस तरह से खुलासा हो चुका है, क्या लगता है कि जो आपका बेटा है वो जनक से भी थोड़ा प्यार है, लगाव है, तो क्या कहना चाहोगे उसके लिए? हाँ, उसमें ये ज़रूर हो रहा है कि सच्चे दिल से अनिरुद्ध चाहता है कि जनक लाइफ में आगे बढ़े, फ्री हो जाए। उसके जो पुराने चैप्टर्स थे लाइफ में, जो उसके जितने इश्यूज थे तेजस को लेके, मदर को लेके कश्मीर में, सबसे उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एट द सेम टाइम उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि फैमिली, सोसाइटी, बिकॉज ही इज़ कमिटेड टू वन गर्ल, फैमिली के सामने आशी को भी प्यार करता है, लेकिन वही पॉसिबिलिटी दिखाई है कि जब आप एक को प्यार करते हो, दूसरे के लिए आपके आपके दिल में दूसरे इंसान की जगह होती है, नहीं होती है। तो लाइफ उसको उस मोड में ले आई है अभी, जहाँ पर वो जनक को भी एडमायर करता है, और लेकिन ये कभी नहीं बोलता कि जनक को प्यार करता हूँ, लेकिन वो उसके जहन में है, क्योंकि इतनी, जब आप किसी के लिए इतना कुछ करते हो लाइफ में सोसाइटी के अगेंस्ट जाके, तो डेफिनेटली आपके अंदर फीलिंग्स होती हैं। अब वो फीलिंग्स को आप क्या नाम देते हो वो डिसाइडेड नहीं है। चले सर, अगर हम बात करें, क्या अनिरुद्ध का प्यार थोड़ा जनक के ऊपर दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा, क्या लगता है आपको? यस, क्योंकि इतने लंबे टाइम से अनिरुद्ध हेल्प कर रहा है जनक की हर मोड पे, राइट अवे फ्रॉम कश्मीर टू कैलकटा। सो दिल से चाहता है कि उसका भला हो, वो खुश रहे, और मेरा मानना यही है कि प्यार ऐसी चीज़ है, प्यार में किया जाता है, लिया नहीं जाता। सो यू नो, अब अगर आप इस बात को समझ जाएं कि अगर आप किसी को सच में प्यार करते हैं तो आप उससे उम्मीद कम रखते हैं और उसके लिए करना ज़्यादा चाहते हैं, तो चाहता तो है वो, लेकिन उसकी लाइफ में ऑलरेडी एक इंसान है जिसको वो कमिटेड है, फैमिली के सामने कमिटेड है, और आज भी कमिटेड है, और आज भी शादी करना चाहता है। अब वो उसकी जो फीलिंग्स उसके अंदर है अभी, वो कब वो ऐसा मोड़ लेती हैं कि उसको, उसके मुंह से अपनी फीलिंग्स का इजहार हो, और जो अपनी करंट लाइफ है उसकी, अर्शी, जिसके साथ उसने इतने सालों की दोस्ती है, रिश्ता पक्का हो चुका है, उसको भी टैकल करना है, तो आई एम श्योर उसके लिए बहुत टफ फाइट होगी टू एक्सेप्ट इट। और ऐसा पॉसिबल होता है हमारे साथ, कि जरूरी नहीं कि हम अपनी पूरी लाइफ में एक को ही प्यार करें, एक को प्यार करते हैं, दूसरा लाइफ में आता है, दूसरे को भी प्यार करते हैं, लेकिन सोसाइटी, सराउंडिंग्स, वो आपको रोकती हैं उस तरफ जाने के लिए। सो उसी का ताना बाना है ये शो। ओके, आखिर में आप अपने फैंस से क्या कहना चाहिए? मैं सारे नेशनल रिपोर्टर्स के फैंस से ये कहना चाहूँगा, दैट कीप वॉचिंग झनक, बिकॉज झनक इज कमिंग अप विद वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड एपिसोड्स, and this story will remain with you all your life, so keep watching it. Thank you so much.